नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से वापस जा रहे पुलिसकर्मी की मौत, निषाद समाज के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और उसके बाद भीड़ के द्वारा किए गए पथराव के जद में आने से होने के बाद पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। आज पुलिसकर्मी का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस लाइन के ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर और पुलिस विभाग के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में एडीजी वाराणसी, आईजी वाराणसी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, एसडीएम सदर, एडीएम सहित तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे। इसके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मृतक हेड कांस्टेबल सुरेश वत्स को कंधा देकर तमाम अधिकारियों ने प्रतापगढ़ के लिए उनके परिजनों के साथ रवाना किया। इस दौरान मृत हेड कांस्टेबल के परिजनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कब कैसे हुई? सर का फोन आया था ऐसे, सर का क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि पापा को सीरियस चोट आई है, आप चले आइए, कोई है नहीं। तो पहला फोन आया तो हम उसी को बार बार फ़ोन किए तो उन्होंने बताया कि फिर बाद में धीरे धीरे बताया कि पापा की डेथ हो गई। फिर आप लोग कब चले वहाँ? मैं वहाँ से तैयार, मतलब मम्मी वहाँ, अपनी सिस्टर वहाँ मेरे साथ थी, तो मैंने उसके घर अपने दोस्त से बोला कि वो छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर चाचा के साथ वहाँ से निकले। हम लोग VVIP ड्यूटी बाद समाप्त जा रहे थे थाने पर, वहाँ वहाँ पर जैसे अटवा मोड़ जो पुल है, पहले क्षतिग्रस्त पुल है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि वहाँ पर जाम लग गया है, तो कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि आप वहीं पर मौके पर रह के आप वहाँ जाम को छोड़ा दें। जब जाम को छोड़ाने लगे, निषाद समुदाय के कुछ लोग थे जो अपनी मांग रहे थे कि कहीं उन लोगों की कहीं गिरफ्तारी हुई थी, तो हम लोग काफ़ी प्रयास किए, समझाया बुझाया गया, लेकिन वो लोग माने नहीं। और फिर उसके बाद ईंट पत्थर लगे चलाने, एक बार की लाठी डंडा ईंट पत्थर, दो तीन सिपाही इंजर्ड हुए और हमारे थाने का हमारा हमराही था वो इंजर्ड हो गया, यहाँ जिला अस्पताल में आते आते एक्सपायर हो गया। शव को परिजनों के साथ रवानगी के बाद एडीजी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि इस मामले में 32 लोगों को नामजद और 70 से 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। वहीं उन्होंने मौत की वजह हेड इंजरी बताया, इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत दुखद घटना में हम अपने एक साथी हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वक्त को खोए हैं। उन्होंने एक ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है जो विवेचना में अभी तक निकल के आ रहा है। कल पूर्वाह्न में 4 जगहों पर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जाम का ऐलान किया गया था। पुलिस वहां पर मौके पर तत्परता से पहुंच करके जाम खुलवाया और इसी मध्य 2 थाना क्षेत्रों में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। बाद में लगभग 4 बजे थाना नौनहरा क्षेत्र के अटवा मोड़ के पास 100-150 लोग एकत्रित हुए, वहाँ पर अपने साथियों को छुड़ाने के मांग को लेकर के फिर से जाम लगाए। पुलिस वहाँ पहुँच करके जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा था, उसी मध्य पथराव शुरू हो गया और पथराव के दौरान हमारे साथी के सर पर चोट आए, चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके तुरंत बाद सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए हैं और विभिन्न स्रोतों से एविडेंस कलेक्शन किया गया, FIR पंजीकृत किया गया
उसमें विभिन्न धाराएं हैं, इंक्लूडिंग 302 आईपीसी, 32 नामजद मुलजिम और 70 से 80 अज्ञात मुलजिमों को विरुद्ध एफआईआर लिखा गया है। अभी तक उनमें से साक्ष्य के आधार पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विवेचना को शीघ्र संपन्न किया जा रहा है और एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के निकटतम पर्यवेक्षण में ये कार्य किया जा रहा है।